एप्पल कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा जो अपने स्मार्टफोन्स को कुछ साल बाद स्लो कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी मोटोरोला का नाम सुना है? नहीं सुना तो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं दावा नहीं कर रहा कि मोटोरोला अपने स्मार्टफोन्स को स्लो करता है या फिर नहीं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में तो ये चीज़ हुई है। तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस ऐसा है शेयर करने के लिए कि मैंने सन 2018 में मोटोरोला का एक यूज्ड मोबाइल फ़ोन परचेज किया था जिसका नाम था मोटो एक्स प्ले। अब वो फ़ोन जब मैंने ख़रीदा तो उस वक्त उस फ़ोन में था एंड्रॉयड मार्शमेलो। तो जब वो फ़ोन 2015 में लॉन्च हुआ था तो वो फ़ोन लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड लॉलीपॉप के साथ। और सन 2018 में जब मैंने उस फ़ोन को परचेज किया सेकेंड हैंड, तो उस फ़ोन में एंड्रॉयड मार्शमेलो था। एंड्रॉयड मार्शमेलो तो एक फ़ोन बहुत स्मूथ चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, कैमरा सही चलता था, उसकी बैटरी लाइफ अच्छी थी, सब कुछ फ़ोन में सही था। और मैंने उसे तकरीबन 2018 से 2019 तक चलाया था जब तक उसमें नई अपडेट नहीं आई। तो सन 2019 में मुझे एक नई अपडेट मिलती है और वो अपडेट थी एंड्रॉयड नॉगट की 7.1.1। अब जब मैंने उस वर्जन में अपग्रेड किया अपने फ़ोन को तो देखिए मेरे साथ क्या क्या हुआ। पहली चीज़, मेरी बैटरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़, मेरा फ़ोन अगर 50% होता था और 50 से थोड़ी सी भी कम आती थी बैटरी, और मैं अगर कैमरा ओपन करता था तो फ़ोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो जाता था। अब जैसे ही फ़ोन को स्विच ऑफ होने के बाद फिर से खोलूं तो फ़ोन ये इंडिकेशन देता था कि फ़ोन की बैटरी लो है। फ़ोन में तरह तरह की चीज़ें नहीं होती थी। जैसे मैं अगर किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में तो बनेगी, लेकिन जब मैं उसे गैलरी में देखूंगा तो वो कुछ सेकंड बाद, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक मिनट की वीडियो बनाई, तो हो सकता है कि वो वीडियो 10 सेकंड तक चले और 10 सेकंड के बाद पूरी वीडियो फ्रीज हो जाती थी, सिर्फ आवाज़ आएगी तो और वीडियो फ्रीज हो जाएगी, या फिर अगर वीडियो रिकॉर्ड भी हो गई है पूरी तो हो सकता है कि उसमें से आवाज़ गायब हो जाए। तो ये सब बग्स के साथ मोटोरोला ने मुझे अपडेट दी। और उसके बाद सबसे बड़े मज़े की बात तो ये है कि जो अपडेट देने के बाद का प्रोसीजर होता है कि अगर उसमें बग्स आई हैं तो कंपनी को समझना चाहिए कि यार उसमें आप कुछ ऐसे सॉल्यूशन लाओ कि यूज़र को प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत सारे जितने भी मोटो एक्स प्ले यूज़र्स थे मेरी तरह, उन्होंने मोटोरोला को बताया कि उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो लोग अपना फ़ोन सही से यूज़ नहीं कर पा रहे। तो मोटोरोला ने उसके बाद कुछ भी नहीं सुना और एक भी अपडेट आज तक फ़ोन को नहीं दी। यानी कि समझ सकते हैं आप कि ये एक स्लो करना, एक हिसाब से स्लो करना ही हुआ है अपने फ़ोन को, कि आपने एक अपडेट देके, अभी तक मार्शमेलो तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे आप नॉगट की अपडेट लाए और आपने पूरा का पूरा फ़ोन बर्बाद कर दिया। और उसके बाद मैंने ये मोटो G8 प्लस फ़ोन ख़रीदा। तो उससे पहले तक, जब तक नॉगट की अपडेट नहीं आई थी, तो मार्शमेलो तक फ़ोन काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो मैं अब आपको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि देखिए मोटोरोला ने ऐसा क्यों किया और आपको किन कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो बचा सकती हैं। देखिए, रिकमेंडेशन मेरा यह है कि कभी भी हो अपने फ़ोन के, अगर मान लो आपके फ़ोन को दो अपडेट्स मिलने वाली हैं तो एक ही अपडेट तक अपडेट करो अपने फ़ोन को। अगर दूसरे अपग्रेड में जा रहे हो अपने फ़ोन को अपडेट करने, तो एक बार रुक जाओ, कुछ महीने वेट कर लो। अगर जैसे कोई अपडेट आज लॉन्च हो गई है, रोल आउट हो गई है, तो अगले एक महीने तक रुक जाओ। एक महीने के अंदर अंदर इंटरनेट पर इतने सारे रिव्यूज़ आएंगे उस अपडेट के रिगार्डिंग, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि क्या ये अपडेट मेरे फ़ोन में सही काम करेगी या फिर नहीं। एकदम से आतुरता दिखाओगे और अपडेट कर लोगे अपना फ़ोन, तो घाटा आपका ही है। आपके फ़ोन में इतने सारे बग्स होंगे कि आप देखिए, मोटोरोला कंपनी के फ़ोन में वैसे अपडेट्स आती हैं तो बग्स आते नहीं हैं ज़्यादा, शाओमी वगैरह की तरह, लेकिन कंपनी स्लो डाउन कर सकती है आपके फ़ोन को। और स्लो डाउन कब कर सकती है? जब आपके फ़ोन में लास्ट वाली अपडेट आने वाली होगी, तो बच के रहिएगा। और मुझे लगता है कि मोटोरोला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ये फ़ोन अपग्रेड करे। वैसे आईफोन तो है नहीं वो कि लोग एक बार अपग्रेड कर रहा तो सीधे आईफोन में अपग्रेड करेगा, मोटोरोला का फ़ोन है। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने इसी मेंटेलिटी में किया था कि ये यूज़र अपना फ़ोन अपग्रेड करेंगे और फिर से मोटोरोला में जंप करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बहुत सारे यूज़र्स के साथ। मेरे केस में तो यही हुआ कि मैंने मोटोरोला पे जंप किया बिकॉज आई एम अ मोटोरोला फ़ैन। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी हो अगर आपके फ़ोन में दो अपडेट्स मिलने वाली हैं, तो एक ही अपडेट तक अपने फ़ोन को आप आँख बंद करके एक बार अपडेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले जो भी अपडेट आपके फ़ोन में आता है तो उसको एकदम से अपडेट मत करना फ़ोन को। अगर आप अपडेट करते हैं तो हो सकता है बहुत सारे बग्स आपको मिलेंगे, और फिर कंपनी ये गारंटी भी नहीं लेगी कि आपके फ़ोन को अब अपडेट दिया जाए या फिर नहीं, क्योंकि आपका अपडेट का साइकिल ख़त्म हो गया है। कंपनी ने दो अपडेट्स आपसे प्रॉमिस की थी और हो सकता है कि उसके बाद आपको कंपनी एक भी अपडेट ना दे।
देखिए मेरे केस में क्या हुआ, मोटो एक्स प्ले में, मेरे मोटो एक्स प्ले में एंड्रॉयड अपग्रेड भी 2 साल की थी, उसमें सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी 2 साल की थी। तो एंड्रॉयड अपग्रेड आई, ख़त्म हो गया, फिर दूसरी सिक्योरिटी पैच अपडेट आई, सिक्योरिटी पैच अपडेट भी उसी के साथ साथ आई थी, तो वो भी आई, तो उसने भी कुछ ज़्यादा किया नहीं, बस एक सिक्योरिटी पैच डाल दिया कि ये इस महीने का आ गया है, तो उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। और सिक्योरिटी पैच भी, अब सिक्योरिटी पैच का भी एक हिसाब से कोटा खत्म हो गया था उस फ़ोन में, और एंड्रॉयड अपडेट्स का भी, तो आप समझ सकते हैं, अब कंपनी ने फ़ोन को स्लो कर दिया, और फिर कंपनी भूल गई कि हमने फ़ोन को कभी स्लो भी किया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन चीज़ों से बचना, कभी भी हो दूसरी अपडेट या फिर पहली एक ही अपडेट क्यों ना आए आपके फ़ोन में, उसको सोच समझ के इंस्टॉल करना। अगर हो गई है इंस्टॉल और उसके बाद हो सकता है कि कंपनी उसे कभी भी सही से अपडेट ना दे या फिर उसके बग्स रिजॉल्व ना करें। तो बस यही था इस वीडियो में, बच के रहिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।